नमस्कार दोस्तों, कमजोरी, थकावट, शरीर में दर्द, अकड़न, ये सारी परेशानियों से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल पाउडर बनाना बताऊंगी, जिसे आप दूध में मिलाकर लेना शुरू कर देंगे, या जिनको दूध नहीं ले सकते हैं, वर्जित है, वो लोग सैलड की मदद से अगर आप इसे लेना शुरू कर देंगे, सिर्फ 15 दिन आप इसे ले लेंगे, तो आपको कभी भी कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी या जरूरी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, और जिससे आपके शरीर में ताकत भरा रहेगा और आपको हमेशा एनर्जेटिक बनाएगा, यानी कभी भी आपको सुस्ती नहीं आएगी, रात को नींद अच्छे से आएगी, रात को नींद में अगर सपने आते हैं, घबराहट होती है, तो वो सारे कुछ दूर हो जाएगी, साथ ही साथ चिंता फिक्र भी दूर करेगा। इसे डायबिटीज़ वाले लोग भी ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले लोग भी ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। कितनी मात्रा में लेनी है, कैसे लेनी है, और इस पावरफुल जो औषधि है या फिर जो भी आप इसे बोल ले, प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फूड साइंस न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर साइंस में, और आप सभी को आज मैं बताने वाली हूँ ये प्रोटीन पाउडर बनाने की विधि। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो सामग्री हमें लेनी है, वो लेनी है सूखा हुआ नारियल। सूखा हुआ नारियल के अनेकों फायदे होते हैं। सूखा हुआ नारियल हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं करता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नारियल में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, डायबिटिक लोग नहीं खा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सूखा हुआ नारियल का प्रयोग करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और भी अन्य पोषक तत्व, विटामिन B6, जिससे ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें फॉस्फोरस भी होता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे समस्याओं को हमारे हड्डियों से दूर रखता है, और जिससे हमारे जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द की समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं। साथ ही साथ भरपूर मात्रा में आयरन होने की वजह से ये खून की कमी नहीं होने देता है। अक्सर खून की कमी होने की वजह से एनीमिया की शिकायत हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये स्ट्रेस को दूर रखता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होती है, जिसकी मदद से ये हमारे खाने को पचने में मदद करता है, और ज़्यादातर वक्त तक ये हमारे पेट को भरा रहने देता है, जिससे हमारे शरीर में पाचन क्रिया अच्छे से होती है और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, जिससे शरीर में ताकत मिलती है, कमजोरी नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सूखा हुआ नारियल एक ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार नारियल की जो प्रकृति होती है वो गर्म तासीर की होती है, तो इसीलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना है हमें। तो एक सूखा हुआ नारियल लेना है। मैं जो आपको आज पाउडर बनाना बता रही हूँ, सिर्फ 15 दिनों के लिए बता रही हूँ इसे बनाना, एक व्यक्ति के लिए 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा व्यक्तियों के लिए करना है तो आप इसके अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सामग्री हमें लेनी है, वो लेनी है सफ़ेद तिल। दोस्तों, सफ़ेद तिल में कैल्शियम का भंडार होता है, दूध से 10 गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है। और अभी अगर समस्या है कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होती है, तो हमें डॉक्टर बोलते हैं दूध पीजिए, लेकिन दूध अगर आपको प्योर मिल जाए, गाय की दूध मिल जाए, देसी गाय के दूध, तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन दूध अभी प्योर नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी मिलावट होती है दूध में, तो उससे हमारे शरीर की जो पोषक तत्व की कमी है वो पूरा नहीं कर पाता है, कैल्शियम की कमी को पूरा नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें तिल का प्रयोग करनी चाहिए। तिल अगर आयुर्वेद की देखें तो तिल गर्म तासीर की होती है, तो कैसे करना है ये मैं बताऊँगी। हमने यहाँ पर एक कप सफ़ेद तिल लिया है। दोस्तों, तिल दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद होता है, एक काला होता है। तो अगर आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, लेकिन अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप काले तिल का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे सफ़ेद तिल का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने नारियल लिया है, नारियल में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, तिल को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तिल को रोस्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि इसके जो भी जो न्यूट्रिशन है वो एक्टिव हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें एक कप धीमी आंच पे एक कप तिल को रोस्ट करना है।
उसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद तिल, सफ़ेद तिल 1 कप और 1 गड़ी यानी 1 सूखा हुआ नारियल। नारियल को कद्दूकस कर लीजिए। दोनों को हमें एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पल्स मोड पे पाउडर बनाकर, चूरन बनाकर, प्रोटीन पाउडर जो भी बोले बनाकर तैयार कर लेना है। और ये मैजिकल पाउडर इतना अच्छा है, इतना अच्छा काम करेगा कि हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगा। माइग्रेन की समस्या, जिनको भी माइग्रेन रहती है ना, बार बार सिर में दर्द आता है, वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, उनकी माइग्रेन की दर्द दूर हो जाएगी। नर्व पेन की समस्या दूर होगी। साइटिका जैसे दर्द में भी बहुत फ़ायदा करता है ये। गठिए जैसे दर्द में भी बहुत फ़ायदा करता है ये। लेकिन हमें इसे कैसे लेना है तो आइए जानते हैं। उसके लिए हमें एक बर्तन ले लेना है, उसमें आपको डाल देना है 2 कप दूध। दूध को अच्छे से उबला हुआ दूध ही लेना है, गाय की दूध नहीं है तो फैट फ्री दूध ले सकते हैं। दूध को हल्का गर्म कर लीजिए और इसमें आपको 1 बड़े चम्मच से हमने जो पाउडर तैयार किया है उसे मिला देना है, यानी 15 ग्राम के बराबर। अब इस पाउडर को हमें पका लेना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलानी है। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आप उनको स्वाद के लिए मिश्री, धागे वाली मिश्री का पाउडर इसमें मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। यह ऐसे ही स्वादिष्ट लगता है। नारियल में मिठास होती है जो कि हमारे जो स्वाद है उसको ये बढ़ा देता है। दूध में भी मिठास होती है, केजीन होता है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसे हम बिना छाने 1 कप में निकालेंगे और हमें इसे लेना कब है तो हमें इसे चाय की जगह पे लेना है। 2 वक्त आप इसका इस्तेमाल करिए, लगातार 15 दिनों तक आप इसका इस्तेमाल करिए। पूरी सर्दी आपको जोरों की दर्द की शिकायत नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, नींद अच्छी आएगी, शरीर में ताकत बना रहेगा, बार बार आपको सुस्ती थकान महसूस होती थी वो दूर होगी, काम करने के बाद भी आपको ताकत महसूस होती रहेगी। तो 1 कप आप इसे सुबह ले लीजिए, आप सुबह सुबह इसे ले सकते हैं और 1 कप सोने से पहले, सोने के आधा घंटा पहले आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद हल्का टहल लीजिए और फिर आप जाकर सो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। शुक्रिया।